आज मेरे साथ ईमान नहीं जा रही, मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ। लुक देख लो, मैं ये हूँ, मैं प्यारी करी मेरी। और मैं बस घर जा रही। मम्मा मैंने ना सोचा आप के साथ एक प्रैंक करना है। बस कर दे तू तेरे प्रैंक। मम्मी प्लीज 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 प्रैंक करना। प्रैंक ये कुछ तो है मजेदार लग रहा है अपन का। मुझे लग रहा है कुछ सूट है गुलाम अहमद लग रहा है। हो सकता लड़कों का नहीं ये ब्रांड होता गुलाम अहमद। गुलाम अहमद लड़कियों का भी होता है। मैंने तो लड़कों को सुने यार। आई एम वेरी एक्साइटेड इसने। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को तो दबा दें। तो गाइस आज हमारी डेली ब्लॉगिंग का हो गया है डे 247। यस सब, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कल मैंने करवाया था केराटिन जो कि अभी स्टार्ट था। कल आधा प्रोसीजर हो गया था, आधा अभी ट्रीटमेंट रहता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से उठती हूँ, सैलून जाती हूँ, संडे का दिन है तो फटाफट से उठ के टाइम चेक कर लें टाइम क्या हो गया। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, वैसे फटाफट तैयार श्यार हो गई, बस मैं निकल रही हूँ सैलून जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वह जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। आज मेरे साथ ईमान नहीं जा रही, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मैं 1 बजे जाना था और 3 बज रहे हैं। मैं अब जा रही हूँ, फटाफट से निकलती हूँ, वहाँ जाके मिलती हूँ। A few moments later. मेरी केराटिन शेराटिन कंप्लीट हो गई है आज, तो बस मैं घर जा रही। लुक देख लो, मैं ये हूँ, मैं प्यारी प्यारी मेरी। और मैं बस घर जा रही, बाकी सबको दिखाती हूँ जाके। ओके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल परफेक्ट होंगे। गाइस आज आपके ने जैसे कि व्लॉग शुरू कर ही लिया है, आईफोन जो है वो मेरे पास था, मेरा छोनू मोनू मेरा आईफोन मेरे पास ही था, क्योंकि मैं टिकटॉक से थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना रही थी तो मैंने देखा इसने ऑलरेडी व्लॉग शुरू कर लिया हुआ है और कुछ बना भी लिया। तो मैंने कहा क्यों ना मामा के साथ रल मिल के क्यों ना एक छोटा सा प्यारा सा प्रैंक किया जाए। अभी फिलहाल वो ऊपर है, सो रही है ऊपर। आज पता नहीं क्यों सॉरी, मैं कहती हूँ मेरी बड़ी याद आ रही है मुझे अपने घर की ऊपर वाले पोर्शन की, मुझे बड़ी यादें शादियां आ रही हैं। तो कह रही थी मैं पर जा रही हूँ। मामी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो कैसी हो कैसी हो? लोगों के कमेंट आ रहे हैं आपकी मम्मी जो है आपकी मोम जो है वो व्लॉग में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने जैसे आप लोगों को पता है घर शिफ्ट कर रहे हैं तो मामा को बड़े सारे काम है, कभी ये समेटे कभी वो समेटे कभी ये समेटे, और हम बस कुछ देर तक शिफ्ट भी होने वाले हैं, है ना ना मामा को तो खा नहीं सकती क्योंकि अभी मामा थोड़ा काम वगैरह में बिजी हो गई हैं। अरे मामा पकड़े जरा मेरा बाजू। गाइस इसको पकड़ के मेरा बाजू बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मामा मैंने ना सोचा आप ही के साथ एक प्रैंक करना है। अरे बस कर दे तू तेरे प्रैंक। मामी प्लीज 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 प्रैंक करना। प्रैंक ये करना है कि वैसे कि इसकी बर्थडे 25 को गाइस इसकी बर्थडे, हम कहेंगे कि ना हम कहेंगे कि ना इसी ने ना इसको गिफ्ट दिया बाहर किसी फैन ने। अच्छा। उसको ना गिफ्ट दिया ठीक है। तो मैं ये ऑलरेडी ये बॉक्स लेकर आ चुकी थी, वैसे ही था ये मेडिसिन वाला, इसको मैंने चेंज कर दिया क्योंकि आप बॉक्स ले आएंगे उस दिन ठीक है। तो हमने ना इसमें कुछ मैसेज लिखना और ना हमने से छुरी रखनी है ठीक है। छुरी क्यों? हमने कोई ऐसी चीज लिखनी है इसमें जो हमारे छुरी से रिलेटेड हो ठीक है ना। यहाँ पर इसको रख देते हैं और सामने कोई अच्छा सा मैसेज लाती हूँ क्या, और मैं जरा अपनी भाई सिस्टर से जरा मिल करके आती हूँ क्या ऐसा लिखा जाए जिससे ये शॉक्ड हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा। इसमें बड़ा दिल कर रहा था मेरा प्रैंक करने का। मैंने कहा क्यों ना इस घर से जाने से पहले क्यों ना मरी मापी के सारे धमाकेदार खलासेदार मजेदार प्रैंक कर लिया जाए। अब मैं अपनी बड़ी बहन से कुछ लिखवाती हूँ इस पर और फिर आके आपसे दिखा रही हूँ, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। आ रही 15-20 मिनट तक
गाइस ये मैंने अपनी बड़ी बहन से बड़ी सिस्टर से लिखवा लिया है। ये मैंने लिखवाया है डियर मरियम और दिल तू जा तू, ये मैंने सारा लिखवाया है। हाँ जी यार तुम आ जाओ ना, तुम नीचे आ जाओ। अच्छा मैं ना चुपचाप बैठ जाती हूँ, मामा आप जरा साइड पे हो जाए। प्लीज माशाल्लाह बोल दीजिए, माशाल्लाह मेरी बहन को नजर लगा दीजिएगा। मम्मा पहले उसको बुखार हो गया है, आप लोग की वजह से उसको नजर लग जाती है। मजाक करी मजाक करी, आप नजर मत लगाइएगा। क्या गिफ्ट आया है, किसकी तरफ से आया था? मतलब बाहर कोई आया था, पोस्टमैन कोई आया था, कहना किसी ने ऑर्डर आपके ऑर्डर आया आपका। पोस्टमैन है, मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं। ओहो क्योंकि पता नहीं क्या नाम बता रहा था। चलो देख लो किसका है, नाम लिखा होगा। गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है। फ्री की चीज़ है तो हैप्पी का हैप्पी। इसकी ओपनिंग वाला कैसे करो, यहाँ पर बैठो ऐसे। मेरे लिए है तो मैं ओपन करूँ, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? छोड़ो ध्यान से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ तो है मजेदार लग रहा है, ओपन कर। मुझे लग रहा है कोई सूट है, गुल अहमद लग रहा है। हो सकता लड़कों का नहीं ये ब्रांड होता, गुल अहमद के गुल अहमद लड़कियों का भी होता है। मैंने तो लड़कों को सुना यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। जिसने भी भेजा ना, लंबी हो गया जिसने भेजा। मुझे वैसे ही गिफ्ट बड़े पसंद है। हां ऐसा तो मैं गिफ्ट है जिसको मैं गिफ्ट ओ मम्मा कितनी बड़ी बात है यार ये। कभी मैंने ईमान कौन देखे गया, ये बाहर पोस्टमैन आया था, कह रहा था तुम्हारे लिए। मुझे नाम नहीं याद यार, सच्ची में यार बहुत बड़ी हरकत है जिसने भी की है। पढ़ो ये क्या पढ़ते सुन। डियर मरियम, ओ दिल तू जान तू दर्द की दवा तू, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। लाना कैसे बर्थडे गिफ्ट पे जिसने भी मुझे गिफ्ट भेजा बहुत अच्छा की, इसकी जुबान काटने के लिए मुझे ऐसी छुड़ी की जरूरत थी। सच्ची में लग सकती है, पक्के असली है कि नकली है? असली एप्पल का आगे देखा, रुको मैं ट्राई करके देखती हूँ चीज असली है कि नहीं। गाइस पता नहीं किसने क्या यार, गाइस ये तो बड़ा गिफ्ट है। मोमा असली छुड़ी है, वो असली छुड़ी है लिटरली यार। तो केक असली छुरी से ही काटा जाता है। हैप्पी बर्थडे, जिसने भी भेजी है ना अल्लाह की कसम वो मेरे सामने आ जाए, मैंने उसके ना बोटी बोटी कर देनी है। अपने हाथ ना कटवा लेना, मैंने तो नहीं रखा। चलो मुझे तो ऐसे कह रही जैसे मैंने ना अपने हाथ ना कटवा लेना। क्या हुआ तुम क्या पीछे भाग रही बात है मुझसे? ये क्यों पीछे भाग रही है? मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि दिल तू जा तू तो तेरा निकालू ना, मुझे गर्मी बड़ी लग रही है। अल्लाह की कसम ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, ये तो मेरी बर्थडे पे मेरा कत्ल करने वाली थी। वैसे मेरी बर्थडे आ रही, गिफ्ट का इंतजाम कर लो सारे जल्दी जल्दी। मुझे पूरे 12 बजे मेरे इंस्टाग्राम गाइस एड्रेस लिखे, एड्रेस लिखे, एक मिनट एड्रेस लिख, नंबर लिख लो इधर से।
मुझे पूरे बड़ा मुझे मेरा इंस्टाग्राम ऐसे ही बढ़ाना चाहिए हैप्पी बर्थडे से। इतना विश करना, इतना ज्यादा विश करना कि मुझे खुशी हो जाए। कोई मुझे मजा नहीं आया इतना। मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि राइटिंग मुझे तुम्हारी लग रही थी। राइटिंग मेरी तो लगा दीजिए अभी। मुझे ऐसा लगा इसकी राइटिंग है। आपको मेरे बाल कैसे लगे बताए? कामयाब हुई मामा, पहले विश करने लग गई है, खुशी हो रही है। बच्चों को कामयाब करें, कितना इतना इतना बुलंदियों तक जाएं। हाय आमीन सुम्मा आमीन। सब बच्चे ये जितने देख रहे हैं वो भी। मैंने खाना ही खाना। क्या मंगवाया तुमने? मैंने सैंडविचेस ऑर्डर किया मंगवाए हैं और सानू मैंने बर्गर मंगवाया। शर्म नहीं आ रही? मारे का रोटी नहीं थी बनाई? मैं देख के आज बनाई थी। ठहरा जरा, मामा ने लाजमी बनाया हुआ। ये देखो खा को लिया इन्होंने। चिकन बनाया हुआ था ना आपने? मैंने नहीं खाया। टेस्ट कराओ। मेरा इतना गला खराब, पर मुझे इतना बुखार हुआ है ना, मैंने पैनाडोल खाई है, मुझे पसीने आ रहे हैं। नाइस। अब ये ना तुझे नजर लग गए? नजर वाले तो सारे बैठे हैं। सारे नहीं, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ से मुराद समझ रहे ना, जिनको मैंने बात लगाई वो समझ गए है ना मामा। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। ऐसे नहीं कहते। अच्छा मेरी मम्मा ने कहा ना, तो आइंदा के बाद नहीं कहूंगी मैं, ठीक है? आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके जो सोना प्रैंक था मुझे मजा बिल्कुल नहीं आया। कल से दोबारा से रूटीन में आते हैं। वैसे कल का व्लॉग शायद अगर मेरी तबीयत सही हुई ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। एक चीज आपको पता लगने वाली है कल से। हैं? क्या है? वैसे तो मुझे पता, तुम झूठ क्यों बोल रही? इसको इतना मेरे से ज्यादा तो इसको पसीना आया हुआ क्योंकि तुम्हारे व्लॉगिंग के चक्करों में मुझे लाल टमाटर बन जाते हैं। ब्लॉगिंग के चक्रों में लाल टमाटर बन जाती। सही तो आप यार, बाल तुम्हारे ऑयली लग रहे हैं। भला क्यों लग रहे हैं? मुझे पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कल अगर तबीयत सेट हुई तो एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, तो मिस नहीं करना। खुल गए? शुक्र अल्लाह का इसकी खुल गई। क्या खुल गया? सबको बताओ क्या खुल गया। कैडी कल सबको पता लग जाएगा। घूमी हुई है ये वाकई घूमी है। सो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दुआ में याद रखा ले, ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करें। हाँ जी बोले आप। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। गॉड्स ऑफ लक शू बाय बाय टिंग जिंग द बगडम। और ज्यादा गाइस हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगा करें और आप ही के बर्थडे पे इसको यही चीज देना। जिंग द बगडम ना।